अलग अलग में आ रहे। ठीक है अब भाई तुम जो चाहते हो जवान हो नौकर करिया हो हर कोई ऐसी बोलता है। और हाँ वैसे मैं आपको एक चीज बताना बोल कि अभी मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ 4:30 बजे की, मतलब 4 बजे की है बस, तो जाएंगे सामान सामान सब पैक है मेरा, तो सामान में मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। हाँ भाई साहब इतना प्यार दोनों में देख के अड़ोस पड़ोस अच्छी तो बनाएगी ना, गंदी नहीं खाता मैं अरहर की दाल। कोई बात नहीं क्यों भाई खाना तो हमको। तो हे फैमिली वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब आई होप सेटी हुए, तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो फिलहाल तो अभी हम हैं छत पे और जेठी वगैरह बना लिए सारे पापड़ जो मतलब कि हम सुबह से लगे हुए थे, और पापड़ अभी सूख रहे हैं, मतलब सूख रहे हैं हवा लगाने हैं, सूखे थे वो पहले के हुए हैं, और ये कुछ गीले हैं पापड़ है जो अभी पहले धूप लगेगी फिर इसको हवा में सुखाएंगे। आज कितने बनाए हमने? आज हमने 5 किलो बना दिए 2:30 बजे तक। कल हमारा 3:30 बजे लग गए थे, 3:30 तक बन गए थे हमारे, मतलब कि काफ़ी देर में। आज 1 घंटा जल्दी हो गया, आज कुणाल था ना इस करके, वरना तो दीदी की स्पीड कितनी स्लो है। क्या कान्हा जी के लिए आज उनकी स्पेशल थाली निकाली आपने है? देख के आ जाऊं ये लो कान्हा जी आपका खाना आ गया है, ये लो। और मेरा खाना क्या बनाया आज आपने? हरड़ हरड़ की दाल अच्छी तो बनाई है ना, गंदी नहीं खाता मैं हरड़ की दाल। कोई बात नहीं क्यों भाई खाना तो हमको है, एक्सपेरिमेंट हमारे साथ हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट तो करना मैंने। चलो ना दीदी भूख लगी है। ओ इसके बाद तो फिर चंडीगढ़ में मिलेगा मम्मी का खाना, मम्मी के हाथ का। और हाँ वैसे मैं आपको एक चीज बताना बोल रही, अभी मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ 4:30 बजे की, मतलब 4 बजे की है बस, तो जाएंगे सामान सामान सब पैक है मेरा, तो सामान में मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। सामान में है ये बैग, एक ये बैग, एक और आ रहा है जो कुणाल लेके आ चुका है। कुणाल ले आया दीदी बैग? अच्छा अच्छा रास्ते में ही ना, फिर ठीक है। भाई तेरा नाम क्या भाई है? तेरा नाम क्या है? जियाश। तू यहाँ पे क्या कर रहा है वैसे? तू फालतू में आ गया तू इधर। अपने घर पे नहीं कर सकता तू ड्राइंग? नोटबुक नहीं मिलती? तो ये बैग किसका है? ये बैग किसके घर से लाया फिर तू? अपने घर से। तो फिर तेरे घर पे ही तो था ही नोटबुक वगैरह। चल भाई कुणाल आए, भाई छोटा कुणाल, बड़ा कुणाल है कि छोटा कुणाल है भाई तू? है आई एम हीरो। हीरो को तो मैंने कुट कुट के मार दा। आयुष है भाई हीरो, ठीक है उसको तो मैंने बहुत। जय हिंद भाई साहब। भाई उसने ड्राइंग करनी है। हाँ भाई साहब इतना प्यार दोनों में देख के अड़ोस पड़ोस में रहती, कितना प्यार है भाई दोनों में। इतना प्यार कैसे आया भाई तेरे में? है कुणाल तेरे में इतना प्यार कैसे आया? फीलिंग्स ब्रो फीलिंग्स। किसके लिए? लड़कियों के लिए नहीं है फीलिंग दे रहे हो? कि लड़कों के लिए फीलिंग दे रहे हो आप? हाँ लड़कियों के लिए क्या कहाँ चढ़ रहे हो आप लगाने के लिए? तो बहुत बड़ा है ना, आप भी तो बड़े ही हो। ओके आप पकड़े गए, टाई लगा रहे हो भाई, कुणाल लगा ले भाई। तुम्हें क्या बना रहे तू? ये अंडरसाइड ड्राइंग बना रहा है। खतरनाक क्या बना रहा है? क्या बोलते उसको रेनबो? काइट लग रही है, काइट है ना? रेनबो रेनबो है, काइट है वो, रेनबो है। ये काइट है यार, ये देखो इसने कैसी काइट बना रखी है। चल बैग की तरफ,
मौसी अलग है, आप अलग रहोगे, सारे अलग अलग रहे, ठीक है। अब भाई तुम तो चलो बहुत जवान हो, नौकर करे आप, हर कोई ऐसी बोलता है पैसा ही पैसा होगा, मस्त हजार को देने यार, हजार दे रहे हैं बस, लाख बोलो ना, लाख लाख को बोलो, लाख लाख अपना हाथ देगा तो ना ऊपर। चलो भाई चलते हैं अब, लास्ट टाइम यार एक चीज तो करना भूल गया, पैर थूना भूल गया भाई, पैर थूना मैंने देखी या ना, तो आ रही हूं मैं, हां हां, तो बात कर, वक्त आ चुका है और चलते हैं अब घर चंडीगढ़। फंस गए भाई, इसको मेरे को दे दे, स्पीड तो भाई तेरी फुल है स्पीड। बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो भाई फिलहाल तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मतलब कि किसी जगह में, मतलब कि ऐसा है, अभी फिलहाल गया है अपनी मम्मी को लेने, मतलब मेरी चेटी को लेने गया हुआ है, तो उसको काम पे जाना है और चेटी शायद चेटी मुझे बिठाएगी, तो इस करके बिठाएगी, समझ नहीं आ रहा मेरे को वैसे, पर हाँ। और सामान दिखा देता है, एक सामान और टूट चुका है, ये वाला ब्लू वाला वो तो था ही, और ये वाला आटा है इसके अंदर पूरा, तो आटा मम्मी ने बोला था आटा लेके आ जाइए, तो आटा इन्होंने दे दिया, तो आया कि मैं कितने है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरे को, 10-20 किलो तो हो गए, 15-20 किलो ना तो होगा, और भाई और तो कुछ नहीं है, फिलहाल तो भाई वेट करते हैं और देखते हैं कब तक आते हैं। तो फाइनली भाई इधर तक पहुंच गया मैं, और पापा भी आ गए, चलो यार पापा चलो यार, ये मैं चकता हूँ, ये मैं चकता हूँ, ये मेरे कंधे में रख दो, बहुत भारी है यार। तो भाई एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, क्योंकि मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया वहाँ पे, क्योंकि शुरुआत में तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है ना, तो भीड़ में मोबाइल खो भी सकता है और चुरा भी सकता है, फिलहाल तो यहाँ पे भी चुरा सकता है, पर वहाँ कुछ ज़्यादा ही थी। और एक और चीज़ कि मैं इतना सारा सामान नहीं लेके आ सकता था, क्योंकि मेरे हाथ में बैग भी था और ये कट्टा भी था, इस करके है गार्ड। तो यार पापा जी, ये पापा जी अभी अभी लेने आए थे मेरे को, और भाई मेरे को आगे उतरना था पर मैं आगे नहीं उतरा, पहले आप क्या बोल रहे थे, सात पे उतर, पहले आप बोल रहे हो सात फेस उतर, आपने सात फेस बोला, मैं फिर सात फेस उतरने वाला था, गलती हो गई थी भाई, अभी बहुत ज़्यादा गंदी वाली, और मैं बोल रहा हूँ सात फेस कब आएगा, कब आएगा। अच्छा यहाँ पे खड़ा रखे एक्टिव हो, क्या इसको पकड़ो, इसको यार भारी हो गया ज़्यादा, बहुत भारी है वो, कितने किलो का है, 20-30 मार दिया आपने उसको, चीरा वो फाड़ दिया आपने उसको, चल क्या चल, चलो हेलमेट लाए आप, लुधियाने में ऐसा सीन है कि वहाँ पर कोई भी हेलमेट नहीं पहनता, कोई भी चाहे जो मर्जी हो जाए कोई हेलमेट नहीं पहनता वहाँ, ऐसे कि भाई ये आपको ना एक आंटी ने पकड़ा था, मतलब कि पुलिस ने, तो वो आगे नहीं आई, उसने बोला रुको भाई, मतलब कि फिर कुनाल भाई घूम, वो आगे भी नहीं आई, वो बोली चल जानते, ऐसे थे पुलिस वाले वहाँ के। और यहाँ पे देखो जगह जगह में कैमरे लगे हुए हैं, हेलमेट नहीं पहना तो फोटो खींच, सीधा ऑनलाइन पेमेंट, बहुत गंदा सीन है चंडीगढ़ का, और अच्छा भी है, गंदा नहीं, बहुत मस्त सीन है। तो फाइनली मैं तो घर आ चुका हूँ, और मम्मी मेरे, यार तू क्या कर रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, नंगा घूम रहा है, और क्या बोलते हैं, इधर पहले हमारा शीशा होता था, शीशा जो अब उन्होंने तोड़ दिया, उस साइड रखा हुआ है, कैसे टूटा ये, अचानक टूट गया, उसके शीशे अब शीश महल में लगे हैं, कहीं लड़ाई लड़ाई तो नहीं करी आपने ना, नहीं नहीं कुछ मम्मी ने पकड़ा था सर मेरा, ना
क्या पता भाई यार, तुम ऐसे झटके झुटके मार रहे हो उसमें। थोड़ा तो पापा ने था, ये सच बोले तो। पापा ने कैसे तोड़ा? पापा आपने तोड़ा क्या? ये क्या भटोनी? ये वाली मेरे को दे दो। ये कल दे आई भटोनी क्या है? मम्मी नहीं, उन्होंने दिया ताई ने। ओ मम्मी, ताई ने दिया कोदा। इसका कोदा बोलते हैं, पहले बता दूं मैं, ये गांव का आटा होता है, इसका आटे के साथ मिला के खाते हैं। अरे ये सूखा, इसको सुखाते हैं। ये है मतलब कि उसका क्या बोलते हैं, मूली का और दाल, और ये पापड़ जिसको हमने बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करी थी। 5 किलो पापड़ बनाते रहे हम, इतने इतने गट्ठे, इससे ही बड़े गट्ठे, 3 गट्ठे ऐसे, 3-4 गट्ठे। तो फाइनली करते हैं आज का व्लॉग एंड। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। तो फाइनली मैं चंडीगढ़ आ गया, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।